भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपकी कठिनाई बहुत है बनारस वालों की, क्योंकि और जगह पे तो उनका जो उम्मीदवार होता है वो उनके साथ चलता है, उनके साथ पर्चे बांटता है। आप इतने कम नसीब है कि आपका उम्मीदवार फॉर्म भर के भाग जाएगा। लेकिन आपका उम्मीदवार इतना भाग्यवान है कि वो कहीं पर भी रहे, यहां का कार्यकर्ता अपने भीतर खुद को उम्मीदवार मानता है। देखिए, इस चुनाव के दो पहलू हैं। एक है काशी लोकसभा जीतना। मेरे हिसाब से ये काम कल पूरा हो गया है। हो गया है ना, एक काम अभी बाकी है, एक काम अभी बाकी है, वो है पोलिंग बूथ जीतना। बनारस जीत गए, पोलिंग बूथ जीतना है, और एक भी पोलिंग बूथ भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। मोदी कहता है मैं देश झुकने नहीं दूंगा, बूथ का कार्यकर्ता कहेगा मैं बीजेपी का झंडा झुकने नहीं दूंगा। मोदी सबसे ज्यादा वोट से जीते या न जीते, ये रिकॉर्ड का मुद्दा है ही नहीं। दुनिया पूछेगी नहीं, यार तुम तो प्रधानमंत्री हो, तुम जीत के आए उसमें क्या है, वो बेमतलब है। और मुझे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है लोकतंत्र जीतना चाहिए। और लोकतंत्र जीतने का मतलब होता है अब तक बनारस में, उत्तर प्रदेश में जितना पोलिंग हुआ है आप लोगों का प्यार है जो मुझे ताकत देता है। भाइयों बहनों, रिकॉर्ड क्या तोड़ना है, मई महीने की 40 डिग्री गर्मी में भी दुनिया को दिखा देना है कि मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे।